Good morning, everyone. Can you see this apparatus? Today we will perform the activities. Can you see? Okay. These are test tube stand. This is test tube stand. I am having test tube. Okay. मैंने इन टेस्ट ट्यूब में आई ऑलरेडी पोर्ड सम सॉल्यूशन, इन सब में मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है, इन सब में एक सॉल्यूशन डाला हुआ है. वेट, राइट, ठीक है जी. ये टेस्ट ट्यूब है, ये कलर चेंज हो रहा है क्योंकि उसमें इट्स नॉट वॉश प्रॉपरली, दैट्स व्हाई. यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस. ठीक है, लुक हियर, दिस इज कंसंट्रेटेड HCl, राइट, दिस इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड, राइट बच्चे, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट, राइट, दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हियर वॉटर, राइट. Phenol phthalene है, it's a phenol phthalene, ठीक है. Now see, I'm having one lemon also, right? This is pH paper. Red or blue litmus we already had seen. मैं उससे भी दिखा देती हूँ. This is pH paper. राइट, यू कैन सी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1-2 से सारे, दिस इज पीएच पेपर, राइट, एंड दीज आर हैविंग ब्लू एंड द रेड लिटमस. ठीक है, अब फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि लिटमस पेपर विल टेल यू अबाउट द एसिड और द बेस, राइट बच्चे. आई एम, लुक हियर, I am taking this solution. मुझे कुछ नहीं पता. Switch on your videos. You will give the answer कि which solution is having the, मतलब which is more acidic or more basic. Yes, weak base या weak acid. I am taking this blue litmus, right? Pouring in this solution, right? It changes into red. You can see it. That means इसके अंदर क्या है? Blue litmus को कौन red में change करता है? Wait a while. एक सेकेंड. Yes. Yes, Divyansh. Acid. Acid. That means it is having some acid. It's the clear. ठीक है, ये clear है. In any case, I am putting red litmus in it. I am using the litmus paper which tells us me the acid or the base. ठीक है, after dipping it, no change observed. Okay, now I'm keeping it here. I am having different solution. I am having the different acids or the bases in this these test tube. Now, what we will do? We will check it with the help of the pH paper. Litmus paper ने हमें बता दिया कि इसमें acid है और इसमें base है. How much strong acid or a base is there? That we will use for that purpose. We will use the pH paper which are having the value of 0 to 40. Now look, I am taking this pH paper. Taking this. Color change. Ab ye color main rakh rahi hu abhi. Theek hai? I am keeping the color here. Visible hai na? I am keeping it here. एक में डिप करा, मेरा ये कलर आया. टेकिंग द अनदर लिक्विड, अनदर एसिड और अ बेस, डिप करा, दिस कलर ऑब्जर्व, यू कैन सी द डिफरेंस. आपको डिफरेंस शायद विजिबल भी हो रहा है. थर्ड लिया मैंने ये,
see the color. Keeping it here. Taking this. एक्चुअली मेरे हैंड को भी लग गया थोड़ा बहुत, तो उससे भी कलर चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, एक मैं ले रही हूं. आई एम टेकिंग डायरेक्टली. See, these are the colors. Now you can see, अगर हम इनकी बात करें, इनकी, ठीक है, ये मेरे पास बहुत लाइट इन शेड है. यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, वेरी लाइट इन शेड. लेकिन ये किस रेंज में आ रहा है मेरे पास? रेड वाली रेंज में. यानी कि इट इज अ, विच एसिड इज दिस अमृतपाल? विच एसिड? वीक एसिड. ये जो था, ये तो इवन वीक एसिड. ये मैं दोबारा टिप करती हूँ. ये देखो, इसमें करा था मैंने, इवन ये पेज भी करोड हो गया है. ये देखो, यू कैन ऑब्जर्व, ये नजर आ रहा है आपको? आ रहा है नजर? क्योंकि इसका कलर देखो डार्क रेड है. माइट भी अभी आपको इतना विजिबल ना हो रहा हो, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज अ कंसेंट्रेटेड एसिड इज दिस. इसका कलर बिल्कुल ही रेड हो गया और इवन पेज भी खत्म हो गया. ठीक है ना, दैट इज द कोरोसिव इन नेचर. इट शोज दैट द प्रॉपर्टी ऑल्सो दैट इज अ कोरोसिव इन नेचर. दैट इज कोरोसिव इन नेचर. अब ये लाइट था, दैट इज द वीक एसिड. दिस इज द वेरी डार्क रेड, दैट शोज दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज ऑल्सो लाइट इन शेड, ऑरेंजिश कलर का आ रहा है ना. ये देखो, दिस इज लाइट ऑरेंजिश. ये वाला जो है और इसमें दोनों में डिफरेंस है, हल्का सा कलर का डिफरेंस आ रहा है. आ रहा है कलर का डिफरेंस? बिसम नजर आ रहा है बच्चे? तान्या, इज इट विजिबल बेटे? आ रहा है ना डिफरेंस? यू कैन सी यस मैम, शेड्स, इनके शेड्स में लिटिल बिट डिफरेंस. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? ये वीक एसिड्स हैं. ऑरेंज येलो तक हमने वीक एसिड करे थे जो हम खाते हैं. अब यानी कि ये मैंने किस में डिप करा था? अब मैं अगेन दिखाती हूँ. लुक हियर, दिस इज, ये देखो, ये है राइट. आई एम पुटिंग इट हियर. दिस इज लेमन. आई एम पोरिंग दिस. मैंने इसमें वैसे लेमन लिया है. ठीक है, मैं लेमन इस पे पोर कर रही हूँ. लुक, है ना? तो लेमन पोर करा, लाइट येलोइश ऑरेंजिश शेड आ गया, दैट इज द सिट्रिक एसिड. वैसे भी जब हम लेमन भी लेते हैं तो वो खट्टा होता है, हमारे दांतों को लगता है. ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड है? है वीक एसिड है, दैट्स व्हाई इट इज द ऑरेंजिश शेड. क्लियर? ये मैंने डिप करा था आपके सामने कंसेंट, सॉरी, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. This is the strong base. Getting my point? अगर अब मैं एक pH paper यही वाला ले रही हूँ, ठीक है? I am taking the same paper and wait a while. Pouring it in the water. Which color? Which color? Orange. नीचे वाला कलर देखो. Orange. Oh baby, ये वाला कलर? Yellow. Greenish. Light greenish. मैं दोबारा दिखाती हूँ. Look, एक और ले लेता. No color. No color नहीं, green. ये मैंने लिया. pH paper, water. I am dipping it in it. Temper. Greenish. Which color observed? Weak base. Green सा कलर आ रहा है ये. Green. ये देखो ना, ऊपर वाला कलर लाइट ग्रीन है. हाँ, ग्रीन इन कलर. दैट मींस वाटर जो है वो नेचुरल है, न्यूट्रल है,
जिसका कलर हमारे पास ग्रीन होता है एंड बाय डूइंग दिस वी कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस वी कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर किसी को अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क बच्चे एनीवन इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर दिव्यांश क्लियर ठीक है डोंट टच अब ये वाला जो मैंने स्ट्रॉन्ग में डाला ना मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ When I am taking this strong acid, look here, wait. मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ ये देखना I am taking this concentrated HCl. Wait. लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं Yes. ठीक है Now I am directly pouring the concentrated hydrochloric acid on the पीएच पेपर मैं जैसे इसको निकालूंगी ना देखना गैस इज रिलीजिंग देखो धुआं पता नहीं आपको विजिबल हो रहा है कि धुआं निकल रहा है थोड़ा दैट इज द गैस यू कैन सी स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो इसका जो स्मेल है वो भी लग रही है एंड ये देखो पेपर भी जो है दैट इज कोरोसिव इन नेचर कि उसका पेपर भी जो है वो भी गलना शुरू हो जाता है दैट इज शोइंग दैट इट इज कोरोसिव इन नेचर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इज इट क्लियर बेटे इज इट क्लियर हाउ वी विल चेक द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड लाइक प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर एंड हाउ मच स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर Because pH paper will gives the colors. It will gives the colors so that we can identify which one is the strong acid and which one is the strong base. We can also apply on the soap also. I am showing, wait a while. Right. This is soap. यहाँ पे हमने एक और टॉपिक करना है वो आपका पीछे मिस हो गया है वी विल डू इट टूडे वी विल डू इट वेट अ वाइल Look, here I am having the pH paper. I am applying soap. There will be no reaction. Wait. है ना? कोई कलर चेंज हुआ इसमें? कोई कलर चेंज हुआ ये सेवलॉन डालने से? No, ma'am. No. Now look. No, ma'am. Now look, look. Wait. मैम ये लिटमस पेपर है कि पीएच पेपर है दिस इज पीएच पेपर बेटे अब आपको ना यहाँ पे कलर विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे मुझे हो रहा है आपको नहीं होगा इट विल नॉट शो द रिएक्शन इफ द पेपर इज ड्राई अगर पेपर ड्राई है इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन ठीक है इसके लिए हमारे पास ये वेट होना चाहिए That means जितने भी HCl या soap या acid और base if we will talk तो they ionize in presence of water मतलब they will dissociate in presence of water and they will give the colors right अब यहाँ पे आपको ये बीच में colors आया है लेकिन ये bluish सी color आ रहा है बीच में ठीक है so by this we can say कि we can check the strong acid or the strong base right बेटा एक minute Taking blue litmus, dip into the phenol phthalate, right? Fade into pink. Taking red litmus,
Anira, wait. Right? Now the pH activity is clear. You had seen the pH paper, different colors observed on the pH paper when we are dipping into the strong acid, strong base or weak base. Right? Ek hamara topic piche reh gaya tha. Please clear that one also. That we already discussed a little bit. What do acids have common? Okay? What do all acids have in common? We already discussed this thing कि हमारा acid के अंदर common क्या है hydrogen ions. हमने ये discuss किया था. ठीक है, I'm just showing it कि when HCl it dissociate it will gives H positive and Cl negative. This H positive you have to write aqueous. This H positive when dissolving in water मतलब जब हम acid को acid है क्या एक ऐसा substance when it is dissolving in the water it gives यहाँ पे भी aqueous means the solution like the in the water we made water as a solvent aqueous means when water as a solvent when HCl dissolve in water it dissociate to produce hydrogen ions aqueous लिखना जरूरी है hydrogen ions and chloride ions ठीक है अगर हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट हमने हाइड्रोजन आयन्स को ऐसे नहीं लिखना हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट दिस यू हैव टू राइट एक्वस अगर हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो एच पॉजिटिव एक्वस यू हैव टू राइट ठीक है अब यहां से अगर हम बात करें होता क्या है एच पॉजिटिव प्लस वॉटर दे विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन दिस इज कॉल्ड hydronium ion this is called hydronium ion jab hum akela h positive hai wo hum nahi lete solution mein they wo kya karte hain they attach themselves to the water molecules polar water molecules hote hain polar word abhi aapko clear nahi hoga learn this thing ki h positive they will attach to the water molecules and form the hydronium ions theek hai aqueous means when the water is a solvent ठीक है दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हिच गिव्स एन एसिड ठीक है सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं एसिडिक जो हमें हाइड्रोजन आयंस देता है दैट इज कॉल्ड अ एसिडिक प्रॉपर्टी दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी अब यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये जो एच पॉजिटिव आयन एंड सी एल नेगेटिव आयन मतलब H2SO4 लूंगी तो वो भी एच पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन्स निकालेगा नाइट्रिक है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव इन द सेम वे ये हमारे पास डिसोसिएट करते हैं CH3COO एंड H पॉजिटिव वो भी एसिटिक एसिड भी ऐसे ही करेगा ठीक है अब इनमें क्या होता है कि अगर हम ये बात करें कि जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दे विल डिसोसिएट टू गिव द हाइड्रोजन आयन सो दैट मीन्स दे आर एसिड्स ठीक है मतलब व्हाई आई एम सेइंग वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक कि how you will show that the solution with solution can conduct electricity bache humne pehle bhi baat ki thi ki conduction of electricity ko show karna hai that means the presence of the free ions agar main baat karu is this point clear pehle ye bata do ye clear hai sabko matlab agar yahan pe h aqueous likha hai na agar yahan pe h aqueous likha hua hai theek hai to iska matlab kya hai H पॉजिटिव प्लस हाइड्रोनियम आयंस और सॉरी H2O ये एक ही मतलब है अगर H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन दैट मीन्स द सेम थिंग अच्छा अब देखो अगर मैं फार्मूला लिख रही हूं ग्लूकोज अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6 ठीक है C6H12O6 एल्कोहल C2H5OH ओके अब इन दोनों में मुझे बताओ कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
Can they conduct electricity? Bolo. Yes, Tanya. Unmute yourself. Ma'am, glucose will conduct electricity, but alcohol will not conduct electricity. Why glucose will conduct electricity, bache? Ma'am, because when we dissolve glucose in water, then it dissociates into hydrogen ions, while alcohol does not, and hydrogen ions are responsible for the conduction of electricity. अब मेरी यहाँ पे सुनिए कि हाँ जी दिव्यांश अनम्यूट करो दिव्यांश अनम्यूट हाँ बोलो वो आंसर बताने के लिए बोलो बोलो आंसर ही पूछ रही हूँ बेटा बोलो मैम बिकॉज मैम ग्लूकोज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एंड इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इसको स्टार लगा के लिख लो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर व्हेन यू विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ग्लूकोज एंड एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन ठीक है इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं देते The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out hydrogen ions. यहाँ पे ये note कर लो do not dissociate या do not give hydrogen ions. ये hydrogen ions नहीं देंगे Do not give hydrogen ions. They do not conduct electricity. इसीलिए जब हम एक बीकर में आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है इन वन बीकर यू आर टेकिंग और यहाँ पे आपने कोक के ऊपर टू आयरन नेल्स लगाए हुए हैं राइट एंड यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिया एक में आपने ले लिया HCl, एक बीकर लिया टू आयरन नेल्स और एक में हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6 ठीक है अब हमने ये दोनों चीजें ले ली और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं In the same way, we will do it here. मैं स्विच नहीं बना रही आई एम जस्ट शोइंग इट ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए है ना अब होता क्या है इन दिस केस बल्ब विल ग्लो बट इन दिस केस बल्ब डू नॉट ग्लो जो बल्ब है बल्ब डज नॉट ग्लो बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस It shows that all the acids. इसे एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे ये एक्टिविटी आपकी बुक में है तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो All acids contain hydrogen ions. All acids contain hydrogen ions. But write down. But all hydrogen containing compounds are not acid. But all hydrogen containing compounds not acids. सभी acids के अंदर hydrogen ion common है लेकिन जितने हाइड्रोजन कंपाउंड शो होते हैं वो एसिड्स नहीं होते हाइड्रो ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस दैट्स व्हाई दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब डज नॉट ग्लो वेयर एज इन केस ऑफ द एसिड्स बल्ब ग्लोज बिकॉज HCl जो है वो क्या करेगा इट डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एज वेल एज द क्लोराइड आयंस
हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे एंड बल्ब विल ग्लो. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? इसी तरह पे एक और क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन ये ग्लूकोज वाले पे और एल्कोहल पे आता होता है. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर कि व्हाई ग्लूकोज एंड एल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस, फ्री हाइड्रोजन आयंस. दे डू नॉट रिलीज फ्री हाइड्रोजन आयंस. एक क्वेश्चन तो ये होता है. एक क्वेश्चन ये होता है, समटाइम वी विल आस्क यू. हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और आता होता है, एसिड्स डू नॉट शो बिहेवियर, मतलब जो एसिडिक बिहेवियर है एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं शो होता. ठीक है, यहाँ पे भी इसको एक लाइन स्टार लिख के लिख लो, एसिड्स डू नॉट शो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. In absence of water. Please, इसको भी आप लोगों ने लर्न रखना है प्रॉपरली बिकॉज क्वेश्चन कैन कम. इसमें उन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, राइट? इन दिस टेस्ट ट्यूब वट वी विल टेक कंसेंट्रेटेड, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम क्लोराइड. ठीक है, पानी में मिक्स करके सोडियम क्लोराइड NaCl. यहां से दूसरी टेस्ट ट्यूब से इसके अंदर पोर करा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? अब यहां पे पहले हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया जिसको पानी में लिया, और दूसरी तरफ मैंने लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डालना, राइट? अब जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगी, HCl गैस विल रिलीज, HCl हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा. जब ये HCl इसके बीच में से जब यहाँ से गैस निकलेगी, अगर मैं यहाँ पे लिटमस पेपर लेके जाती हूँ, ठीक है, मैं लिटमस पेपर लेके गई, इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन. यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं हुई, ड्राई लिटमस पेपर, ये ड्राई, ठीक है, यहाँ लिख लो नो रिएक्शन, राइट? जब मैंने उसी लिटमस पेपर को गीला कर दिया और उसके ऊपर से जो ये गैस फ्यूम्स निकल रही हैं, अब मैंने पेपर को वेट कर दिया, वेट ब्लू लिटमस, ठीक है. अब ये वेट ब्लू लिटमस है तो ये क्या होगा, इट चेंजेस इट्स कलर, इट टर्न्स, रिएक्शन होगी. दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डू नॉट शो द एसिडिक करेक्टर. अगर हमें अगर ड्राई लिटमस पेपर के साथ हम देखें तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिडिक जो है एसिड्स हैं वो अपना करेक्टर शो नहीं करते. एसिड शो एसिडिक करेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. व्हेन वी विल टेक द वाटर देन वी कैन ऑब्जर्व द कलर. जब मैंने इसको वेट कर दिया देन ब्लू लिटमस जो है दैट मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, रीजन क्या लिख सकते हैं कि वेट लिटमस पेपर टर्न रेड बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन द वॉटर. होता क्या है वहां पे, ये जो HCl गैस निकली यहां से जब ये वॉटर के साथ मिक्स हो गई, ठीक है, जो HCl गैस यहां से रिलीज हुई जब वो वॉटर के साथ मिक्स हो गई, इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड. H3O पॉजिटिव मींस H पॉजिटिव एक्वस, दैट इज द pH लाइक H पॉजिटिव आयंस. तो वो सेम रिएक्शन हो जाती है. दैट्स व्हाई लिटमस पेपर विल शो द कलर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्लियर है? क्लियर? एनी डाउट्स? ओके,